अच्छा लग रहा है। रानी बेटी, होमवर्क कर लिया तुमने? होमवर्क भी हो गया, डैडी भी आ गए, बहुत गुस्से में। इधर आ जा, इधर किचन, इधर आ जा, ले ले दत लो ले। क्या खा ले मामा तेरा? कब आया? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो एक महीने की थी, दो दिन में किस? अरे ये क्या हो गया? ये सब छोड़ो, तुम नौकरी दे क्यों गई? देखिए क्यों गए? आप गुस्सा मत कीजिए। नहीं बोलो, मेरी बात सुनिए। मैं मुझे कुछ नहीं सुन रहे, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं, फिर तुम नौकरी पे क्यों गई? मजबूरी थी। मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और झूठी कहानी। झूठी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, आपने बनाई है। कंपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बनाकर आप हैदराबाद चले गए, और यहाँ दूध वाला, पाव वाला, राशन वाला, मकान वाला, सबके सब अपना कर्जा लेने के लिए हमारी गर्दन पे चढ़ गए। गली गली में अपने लोगों से कर्ज ले रखे। अरे अपने ऑफिस के चपरासी को नहीं छोड़ा आपने, उससे भी 25,000 का कर्जा ले लिया। आप जानते हैं घर में उसने कितना बेइज्जत किया हमें, और उसी ने हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल लिया गया है। तेरा मेरा हो गया, बोलो। चारों तरफ से परेशानी है, ऐसी हालत में नौकरी पे नहीं जाते तो और क्या करते हम? मैंने ये नौकरी आपकी इज्जत बचाने के लिए की, और अपना घर चलाने के लिए की, और बहुत मजबूरी में की मैंने। मेरी नौकरी क्या चलेगी? तुमने तो मुझे बिल्कुल नकारात्मक समझ लिया, और मत बनकर खुद पकड़ ली नौकरी। ऐसा क्यों सोचते हैं हम? अगर पति पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? इसमें गलत क्या है? गलत है, सरासर गलत है। सोचा था कि मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा करके चार दीवारी में रहेगी। तो ये ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी ना जाए, और आपके घर की दहलीज पर कभी कोई खर्चदार ना आए, और आपके घर की कभी कोई बेइज्जती ना करता है। सारी गलतियां इसमें आपकी है। क्या बोली? इधर घूमना मिला था क्या? बोल खानू, बोल ला वो मेरे गुरु को बोल दे, ओए बदमाश लड़की बोल दे। चैलेंज चैलेंज चैलेंज
मेरी बीती ओके मिल को माले तू हम फिर क्यों गिरती है मैं नहीं गिरती हूँ अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ पीछे से आ रहा है धक्का मैं क्या करूँ वो इधर पीछे से धक्का दे रहा है ये कौन वो अब मैं उसको सीधा करता हूँ उसको लेडी स्ट्रेच की जरूरत है क्या हो गया मोम खाने अब अगर ये भी खाने पीने के लिए खर्च हो गए तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए विवेक के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा उसी ने मैं कहता हूँ कि क्या कहता है अरे खामोशी से दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे पैसे बचाएंगे फैंटास्टिक आइडिया यार बोले बोला तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना कुकर में यार चावल में पानी डालू या पानी में डाल दूं अरे अबू छोड़ यार अगर आइटम अच्छा लगा तो हमारे बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे और जो अच्छा नहीं लगा तो कुत्ते को डाल देंगे हाँ अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना हाँ तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं हाँ अच्छा तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी हाँ की तमीज नहीं है मगर मुंह से मिर्ची निकलती है मिर्ची मैं दाल में मसाला मुझे इसीलिए हम लोग देर हो गई सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रखकर क्या उसने सबूत तेरे चेहरे पे हराम साल पहले आग क्यों नहीं मारी बे कब तेरी मुसीबत तो मेरे गले में पड़ी क्या बोला और एक बात ध्यान से सुन लो हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है तुमसे खिचखिच करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है ये क्या है सुनो